हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है सैटरडे और मैं बना रही थी पोहा। तो सुबह सुबह क्या है, हल्का ही ब्रेकफास्ट हम लोग करते हैं सैटरडे संडे को। तो अभी देखते मैं कैसे पोहा बना रही हूँ। फ्रेंड्स, तो देखते मैं पोहा बनाने जा रही थी। तेल मेरा गर्म हो चुका है और इधर मैंने पोहा को भिगो के रख लिया था, ये देखिए। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ। और इधर देखिए, मैंने ये मूंगफली को फ्राई करके रख लिया है। फ्रेंड्स, तो इसमें मैंने डाल दिया है कड़ी पत्ता और मैं अब डालने जा रही हूँ राई। ये देखो, मस्टर्ड डाल दिया मैंने। और अब मैं डालने जा रही हूँ पोहा, बाद में डालेंगे, पहले प्याज और टमाटर। फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे प्याज और टमाटर को डाल दिया है और इस तरीके से इसको फ्राई कर लेते हैं। प्याज और टमाटर जब हल्का ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन फ्राई, तो हम इसमें डालेंगे फिर हल्दी और नमक। देन उसके बाद हम डालेंगे पोहा। तो मैं बना रही थी पोहा, तो इसमें मैंने नमक और हल्दी को ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ पोहा को। अब हम इसमें डाल देंगे मूंगफली के दाने। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा पोहा बनके तैयार हो चुका है, आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, तो देखिए मेरा ये गर्मा गर्म पोहा बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसको गार्निशिंग कर लूँगी प्याज से। थोड़ा और प्याज डालते हैं, मेरे हस्बैंड को प्याज बहुत पसंद है इसमें। तो प्याज डाल देंगे एंड देन इसमें नींबू डालेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे ये आलू भुजिया गार्निशिंग के लिए। तो ये बन गया है फाइनली, पोहा रेडी हो चुका है। अब मैं जाने, अब फाइनली मैं शर्व। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने बनाया है ये पोहा और बहुत ही टेस्टी लगता है। सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर पोहा खाओ तो अच्छा लगता है, तो इसीलिए आज का ब्रेकफास्ट है पोहा।